झरने हैं, जितने तालाब हैं, समंदर हैं, नदी हैं, इनको भी ये लोग मालिकाना हक दे रहे हैं। जैसे जंगलों को इन्होंने नेशनल प्रॉपर्टी बना करके सरकारों ने अपने पास काबू करके तोड़ा जा रहा है। जैसे हसदेव के अंदर अभी जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है प्लांट खुलेगा, आपको लग रहा है कोयला मिलेगा, आपको लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का दौर है, आपको लगता है कंपनियां करेंगे, लेकिन असली खेल ये है कि जो व्यक्ति अपनी मूल जगह पर रहता है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। असली खेल ये है। यानी अगर आप अपने गांव में रहते हो, अगर आप अपने गांव में रहते हो, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हो, अपनी पारंपरिक वेशभूषा धोती और कुर्ता और पगड़ी पहनते हो जो आपकी पारंपरिक है, तो सरकारों का कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। हमारा देश कबीलों का ही देश था, हर कबीले का अपना नियम था, गांव को ही कबीला बोलते, गांव कबीला बोलते थे। हमारा परमात्मा प्रकृति रहती है, हमने ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को बहुत तवज्जो दी है साक्षात मान करके, तो वो हमारे पुरखे थे। अपने ही परिवार में हमारा कोई पूर्वज जिसने अपना जीवन समाज को दिया, या जो आगे जिसका वंश बेल नहीं बढ़ी, उसको हमने अपना इष्ट रूप में अपने अपने खेत में स्थापित किया हम लोगों ने, और गांव ने अपना देवता माना। दादा खेड़े को गांव खेड़ा बोलते थे, खेड़ा दादा खेड़ा ही हमारा सबसे बड़ा देवता रहा, और जब तक दादा खेड़ा रहा तब तक गांव अपनी परंपरा को मानता रहा। मंदिर मस्जिद वाली जो कल्चर है, ये तो अभी राम जब नहीं था तब भी तो कुछ था, जब कृष्ण नहीं था तब भी कुछ था। वो कुछ क्या था? वो प्रकृति थी, वो कुदरत थी, जो हमेशा से रहती आई है, जिसने लालन पालन किया है। जो पंच तत्व हम कहते हैं, जो पंच महाभूत हम कहते हैं, वो तो हमेशा थे, उसी को भगवान बोला हमने। वही हमारा पोषण करती थी, उसी को मानने वाले आज भी लोग, सिर्फ ट्राइबल लोग रहते हैं, वो आज भी किसी देवता को नहीं मानते हैं, वो प्रकृति को ही बोलते हैं जय जोहार, जोहार प्रकृति को ही बोलते हैं वो, तो उनके तो संबोधन में भी जय जोहार रहता है। तो वो जो जोहार है उसको मानने वाले लोग जितने भी हैं उनको विस्थापित करना है। जैसे ही वो अपनी मूल जगह से गए, वो भी फिर हमारे जैसे शरणार्थी हो जाएंगे, आधार कार्ड बनाने वाले, 5 किलो अनाज पर जीवन यापन करने वाले, रुपयों के ऊपर डिपेंडेंट लोग। आज वो रुपयों पर डिपेंडेंट नहीं है, हर मौसम के लिए उनके पास, अपने पास सब कुछ है, उनका खाने का सब कुछ है, उनको आपका एक सिंगल रुपया नहीं चाहिए। लेकिन एनजीओ भेज करके, नए प्राइवेट लोगों को भेज करके, वो वहां कह रहे हैं तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ेगा तो कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा तो आपकी भाषा में समझाएगा, सरकार का आदेश है, मानना पड़ेगा, जगह तो खाली करनी पड़ेगी। आपके कलेक्टरों ने यही तो किया है ना। और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था? जिस दिन बनाया गया था, मेरी फेसबुक की वॉल देख लो, जिस दिन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया था, मेरा पहला स्टेटमेंट यह था अब आदिवासियों का सत्यानाश होगा, क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया है। जो जिस जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है, उस जात का तो नाश प्राथमिकता में है।